बेमेतवा जिले के बेरला एलसीएम दुर्गेश वर्मा इन दिनों आरोपों से खाते खेले हुए हैं। ग्रामीणों ने एलसीएम पर अपने पद का दुरुपयोग करने और मनचाही संस्था को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर आला अधिकारियों ने जांच के बाद कुछ कहने की बात कही है। परेशान ग्रामीणों ने कहा है कि 5 महीने पहले बेरला एलसीएम नंबिकापुर की एक संस्था को राशन कार्ड नंबर लगाने के नाम पर 30,000 रूपए लेने के लिए कहा था। बेरला ब्लॉक ग्राम में 45,000 राशन कार्डो का जिनका हिसाब 13,50,000 होता है, लेकिन पैसे लेने के बाद भी अब तक कार्ड नहीं दिए गए। शर्मा जी के द्वारा लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा गांव में मकान नंबर के लिए एक अंबिकापुर की संस्था को टेंडर जारी किया कर दिया जाता है, जिसमें उनके आदेश कॉपी में स्पष्ट लिखा है कि 30 रुपए प्रति व्यक्ति को देना है और प्रति व्यक्ति राशन कार्ड के पीछे। और वो संस्था अपना गांव में लगातार 30 रुपए जो मेरे मतलब एक प्रकार से अवैध उगाही की जा रही है एसडीएम के द्वारा। यहाँ ग्राम सुगोली में स्काईलार क्षेत्रीय द्वारा आवेदन किए थे कि 4 एकड़ में मुर्गी फार्म बनाना है करके, तो पंचायत के द्वारा उसको एनओसी भी दे दी है, तो वो 4 एकड़ के बजाय एसडीएम साहब ने 8 एकड़ का डायरेक्शन करके दिए हैं। अब वो भी वो मंगे थे 1317/1 में, लेकिन वो दिए हैं 1317/4 में, क्योंकि 1317 मतलब मंगा था उसमें 6 एकड़ है यानी 4 एकड़, और जो दिए हैं उसमें 8 एकड़ है। तो हम एग्जाम के बाद बार बार गए, लेकिन वो हरियाणा वाले जाते हैं उसको बिठाते हैं प्रेम से और हम लोगों को भक्त।